नमस्कार। वीडियो में आज एक ही वीडियो में दो विषय पर करूंगा बात। एक है शोध आलेख के संदर्भ में, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वेबिनार के संदर्भ में। पहले बात करूंगा आपसे शोध आलेख की और उसके बाद बात करूंगा वेबिनार की। तारीख को ध्यान से सुनिएगा, किस तारीख को वेबिनार है और किस तारीख तक शोध आलेख भेजने हैं, किन किन विषयों पर भेजने हैं, क्या थीम है वेबिनार का, उन सभी की बात करूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, 5-7 मिनट का, इसीलिए धैर्य से सुनिएगा। और कुछ शुल्क भी लिया जा रहा है, सेमिनार के लिए नहीं बल्कि शोध आलेख के लिए। कितना शुल्क है, कैसे भेजना है पैसा और कैसे आपको अपने आलेख को संप्रेषित करना है, सेंड करना है, भेजना है, किस माध्यम पर, उसकी भी बात करूँगा। पहले बात करते हैं शोध आलेख की, वेबिनार की। याद रखिए 24 अगस्त 2020, 24 अगस्त आज से लगभग 5 दिनों के बाद, 19 अगस्त को देख रहे हैं वीडियो, 24 अगस्त 2020 को होने जा रहा है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वेबिनार जिसका विषय रखा गया है भारतीय शिक्षा पद्धति, यानी कि इंडियन एजुकेशन पॉलिसी आज कल और कल, कल आज और कल, इस विषय पर हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक दिवसीय वेबिनार जिसको आप सुनेंगे। संस्थान के फेसबुक पेज पर इस बात का विशेष ध्यान रखें, संस्थान के फेसबुक पेज पर आप इसको सुनेंगे और फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया है, इसको विशेष रूप से समझें। अब बात करेंगे वीडियो के दूसरे पक्ष की, लेकिन उससे पहले सेमिनार पे ही आते हैं, वेबिनार पे आते हैं, बात करते हैं जो विषय कहता है भारतीय शिक्षा पद्धति कल आज और कल। इस विषय को गंभीरता से समझें और जो नई शिक्षा नीति भारत की आई है उसको आधार बनाकर या उसके परिपेक्ष में इस सेमिनार की महत्ता को समझें कि यह सेमिनार इस ही विषय पर क्यों हो रहा है और क्या है भारतीय शिक्षा पद्धति और क्या है नई शिक्षा नीति का समन्वय या तालमेल, क्यों ये आयोजित किया जा रहा है इसको समझे। क्योंकि यदि आप भारत और भारत की शिक्षा को समझ पाएंगे तभी आप समाज के लिए, अपने लिए, अपने आसपास के समाज और अपनी आने वाली और वर्तमान पीढ़ियों के लिए किसी नीति का निर्माण कर पाएंगे। और यदि आपके पास नीति नहीं है तो समझ लीजिए किसी भी निष्कर्ष तक आप नहीं पहुंच सकते, इसीलिए नीति और नीतियां ही आपको निष्कर्ष तक पहुंचने का मार्ग सशक्त करती हैं, इसका रखें विशेष ध्यान। इसीलिए भारतीय शिक्षा पद्धति कल आज और कल विषय पर होने वाले इस एक दिवसीय लाइव वेबिनार में आप सभी हों शामिल, जो कि होगा संस्थान के फेसबुक पेज जिसका नाम तो लगभग मैं बता ही दूंगा, लिंक आपको दे दिया है, विलक्षणा एक सार्थक पहल समिति, इस संस्थान के इस नाम से होगा फेसबुक पेज जिस पर आप अटेंड करेंगे वेबिनार को 24 अगस्त 2020 को। अब बात करते हैं वीडियो के दूसरे पक्ष की, इसी संस्थान के द्वारा आयोजित या आमंत्रित किए गए शोध आलेखों को लेकर जिसके कई विषय हैं वह विषय बताऊंगा। उससे पहले नियम बता देता हूं कि मैंने एक फ़ोन नंबर दिया है आपको 9996737200, इस ही नंबर पर आपको अपने लेखों को भेजना है, व्हाट्सअप करना है टाइप करके, नहीं तो इस नंबर पर करिएगा फ़ोन। यह आपको कोई ईमेल आईडी होगा, कोई लिंक होगा तो बताएंगे, उसी माध्यम से अपने पेपरों को संप्रेषित या सेंड कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। नंबर को मैं विशेष रूप से लिख दूंगा और साथ ही साथ 20 अगस्त यानी कि कल तक 20 अगस्त तक अपना नामांकन दर्ज करवा लीजिएगा वेबिनार के लिए भी और शोध आलेख भेजने के लिए भी, 20 अगस्त 2020 तक अपना नामांकन करवा लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक विशेष चीज कि वेबिनार के दौरान ही जो पेपर पहुंचेंगे, वेबिनार 24 तारीख को है और जो पेपर भेजना है आपको वह 20 अगस्त तक भेजना है, 20 अगस्त तक का नामांकन है और 20 अगस्त 2020 तक ही आपको अपने पेपर भी भेजने हैं। कुछ पेपरों का सिलेक्शन या चुनाव किया जाएगा और उन पर पत्रों को मौका मिलेगा प्रकाशित होने का, प्रकाशन होने का, क्योंकि सभी को प्रकाशित करना संभव नहीं है, यदि 1000 पर पत्र आते हैं तो कुछ का ही सिलेक्शन होता है, ध्यान रखिए। और दूसरी चीज़ कि हिंदी में भेजने हैं अपने पेपर को, मंगल फॉन्ट में भेजना है, वॉकमैन चाणक्य 901
से लेकर 95, 901 से लेकर 95 का कोड होता है, यूनिकोड होता है वकमन जैनक का। कुर्तिदेव 10 में भेजना है और मंगल फॉन्ट में भेजना है। ये तीन फॉन्ट हैं, याद रखिएगा, यूनिकोड है, मंगल है, वॉकमैन चाणक्य 901 से 45 के बीच में, 95 के बीच में है, इसका याद रखिएगा। और एमएस वर्ड की फाइल में टाइप कर कर भेजना है कि फाइल एडिट हो सके या आप भी कर सके। पीडीएफ कॉपी नहीं भेजनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। 1500 से लेकर 2000 शब्दों में भेजना है और दोनों ही भाषाओं में भेज सकते हैं, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी भेज सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक विशेष चीज़ कि 100 रुपये का नामांकन शुल्क रखा गया है, 100 रुपये का नामांकन शुल्क रखा गया है, जिसको आप सीधे संस्थान के बैंक अकाउंट में या पेटीएम गूगल पे के माध्यम से भी दर्ज कर सकते हैं, भेज सकते हैं। अब वीडियो का अंतिम पड़ाव और महत्वपूर्ण पड़ाव है कि किन किन विभिन्न विषयों पर अपने परपत्रों को, अपने पेपर्स को आप संप्रेषित कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, राइटिंग करके भेज सकते हैं। विषय को ध्यान से देखिएगा और नोट करते रहिएगा। जो विषय बोलने में छूट जाएंगे वह विषय डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे। पहला विषय है आधुनिक शिक्षण विधियाँ बनाम प्राचीन शिक्षण विधियाँ, पेडागोजी की बात करता है। आधुनिक शिक्षण विधियाँ और प्राचीन शिक्षण विधियाँ, आपको वर्सेस लगाया है, बनाम है, आपकी तुलना करनी है, कौन सा बेटर था, कौन सा बेस्ट था और कौन सा आज के समय में वीक है या कौन सा उस समय में वीक था, इसकी बात आपको करनी है। इस पेपर के अंतर्गत इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। लाइट का अभाव है, उससे रहिए बेफिक्र। अगला विषय है प्राचीन एवं वर्तमान शिक्षण में, प्राचीन एवं वर्तमान शिक्षण में, शिक्षा में शिक्षण का स्थान, क्षमा कीजिए, प्राचीन एवं वर्तमान शिक्षा में शिक्षक का स्थान, कि शिक्षक की क्या वैल्यू है, किसी भी शिक्षा को या शिक्षा प्रणाली को बेहतरीन और बद से बदतर बनाने में, इस विषय पर आपको भेजना है अपना लेख। अगला विषय है प्राचीन शिक्षा की आज की शिक्षा में प्रासंगिकता, क्या प्राचीन शिक्षा आज की शिक्षा के समय में प्रासंगिक है या नहीं है, सीधा सीधा है, क्या पूर्व की शिक्षा नीति, पूर्व की शिक्षा, पूर्व की शिक्षा प्रणाली आज के समय में कोई स्थान रखती है, प्रासंगिक है, रेलेवेंट है या नहीं, इस विषय पर आपको लिखना है। प्राचीन एवं वर्तमान शिक्षा चिंतन, चिंतन यानी कि आपका फिलॉसफी का विषय आया है, दर्शन का विषय आया है, प्राचीन और वर्तमान शिक्षा का कंपेयर करते हुए अपने पेपर को लिखिए। अगला विषय है प्राचीन शिक्षा व वर्तमान शिक्षा में गुरु शिष्य परंपरा, कितना अच्छा विषय है, आपको अरस्तु भी याद आएगा, प्लेटो भी याद आएगा, कौटिल्य भी याद आएगा, सुकरात भी याद आएगा, भारत के गुरुकुल भी याद आएंगे। जो नाम मैंने लिए, जिन संस्थान का मैंने नाम लिया, यह सभी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और उसकी बात भी करते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अगला विषय है नैतिक शिक्षा का स्थान लेती व्यावसायिक शिक्षा, जी हाँ, नैतिक शिक्षा का स्थान लेती व्यावसायिक शिक्षा, इस विषय पर है अगला आपको पेपर भेजना है, इस बात का ध्यान रखिए। और इसके साथ साथ एक विषय और है, नैतिक शिक्षा का स्थान लेती व्यावसायिक शिक्षा, जैसा कि आपको बताया पूर्व का विषय, आधुनिक शिक्षा में खेती हुई प्राचीन शिक्षा, यहाँ खोती है, खोती, खेती को मैंने खोती कर दिया, प्राचीन आधुनिक शिक्षा में खोती हुई प्राचीन शिक्षा, क्या आधुनिक शिक्षा प्रणाली ने प्राचीन शिक्षा प्रणाली को नष्ट कर दिया है या आधुनिक पद्धतियाँ प्राचीन शिक्षण पद्धतियों को चुनौती देती हैं, चुनाव करती हैं और कौन सी सही हैं, इस पर बात करनी है। अगला विषय है आधुनिक शिक्षा प्रणाली या गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली, कौन सी शिक्षा प्रणाली ज़्यादा बेटर, बेस्ट या वीक है, इसकी बात करनी है। अगला विषय है इसी प्रणाली का प्राचीन एवं वर्तमान शिक्षा में शिक्षा के विषय, यानी कि आपके अध्ययन अध्यापन के पाठ्यक्रम में शिक्षा के विषय क्या होंगे, फिजिक्स पढ़ाना है या एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ाना है या एस्ट्रोनॉमी पढ़ानी है, केमिस्ट्री पढ़ानी है, बायो पढ़ानी है या बॉटनी पढ़ानी है, साहित्य पढ़ाना है, दर्शन पढ़ाना है या काव्य पढ़ाना है, आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाना है, ज्योमेट्री पढ़ाना है या इंजीनियरिंग पढ़ाना है, आपको सोशल साइंस के अंदर सिविक्स पढ़ाना है और या आपको हिस्ट्री पढ़ाना है, सोशल वर्क पढ़ाना है, एजुकेशन पढ़ाना है, आपको साइकोलॉजी पढ़ाना है या फिलॉसफी पढ़ाना है या सोशो साइकोलॉजी पढ़ाना है,
ये कौन से विषय आपके अनुकूल हैं या नहीं, इस विषय पर लिखना है आपको, प्राचीन एवं वर्तमान शिक्षा के विषय। अगला विषय है सह शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा, और एक और विषय है प्राचीन एवं वर्तमान शिक्षा पद्धति में छात्रावास की व्यवस्था। हॉस्टल्स क्या बेहतरीन विषय है कि प्राचीन समय में भी गुरुकुलों के अंदर छात्रावास हुआ करते थे और आज भी विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में छात्रावास होते हैं, व्यवस्था की जाती है बॉयज़ एंड गर्ल्स के रहने की व्यवस्था की जाती है, रहते हुए पढ़े कुछ वर्षों तक। तो कौन सी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत हॉस्टल व्यवस्था बेस्ट थी, बेहतरीन थी या बहुत ख़राब थी, इस विषय पर देना है आपको। और इस सूची का अंतिम विषय है प्राचीन एवं वर्तमान शिक्षा पद्धति में वुमेन्स एजुकेशन, नारी शिक्षा, यानी कि इस विषय पर भी लिखिएगा नारी का क्या महत्व रहा है। इस पर नहीं लिखना है, प्राचीन मध्य आधुनिक उत्तर आधुनिक समय में नारी एजुकेशन को लेकर क्या क्या प्रणालियाँ, क्या क्या नीति, क्या क्या पॉलिसी, क्या क्या संवाद और क्या क्या पाठ्यक्रम रहे हैं, उसके अनुकूल क्या कहता है विषय, इसको लें गंभीरता से और दे अपने आलेख 20 अगस्त से पहले और 24 अगस्त को होने वाले वेबिनार में हो शामिल। यह सूचना आपको दी, कुछ उलझने हों पूछिएगा, सवाल हो पूछिएगा, लाइट के अभाव के कारण कंटेंट में कोई कमी नहीं आई है, इस बात का ध्यान रखिए। कैसे भेजना है पैसा, कैसे भेजना है अपना आलेख, कैसे होना है रजिस्टर, कहाँ देखेंगे वेबिनार सेमिनार को, वह सभी आपको बताया है। उसके बाद भी कुछ समस्या सवाल उलझन हो तो ज़रूर पूछिएगा। वीडियो को शेयर तभी करें जब बातें अच्छी लगें, लॉजिक लगें, तार्किक लगें। आपने देखा, समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं का, सभी दर्शकों का। और कुछ महीनों के बाद जो विद्यार्थी देख नहीं सकते हैं उनके लिए एक अलग प्रकार की वीडियो बनाने वाला हूँ, उसका ध्यान रखिएगा। जो विद्यार्थी, जो दर्शक कानों से सुन नहीं सकते हैं, आंखों से देख नहीं सकते, ऐसे लोगों के लिए अलग किस्म के वीडियो आपके समक्ष आएंगे अगले महीने से। उसकी तैयारी में हूँ, उस प्रारूप में हूँ, तो उसका भी वेट करिएगा, क्योंकि बहुत से कमेंट ऐसे आए हैं कि आपके वीडियो को हम देख नहीं सकते। ऐसे मेरे सभी शूरदास मित्र, सभी अंध मित्र जो आंखों से देख नहीं सकते, उनके लिए विशेष प्रकार के वीडियो आपके सितंबर के या के महीने के लास्ट में या अक्टूबर से तो कन्फर्म आपको मिलने शुरू होंगे। इस बात का भी ध्यान रखिए, वीडियो को शेयर करें, आपने देखा पसंद किया, अपना और अपनों का ध्यान रखें और संविधान के अनुरूप कार्य करें। नमस्कार।